कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बेतहाशा बढ़ती महंगाई को लेकर आज फिर ट्वीट किया और जनता को बताया कि कांग्रेस की सरकार में जब कच्चा तेल वर्तमान की बीजेपी सरकार से भी ज़्यादा महंगा होता था तब भी जनता को उतने रुपए नहीं देने पड़ते थे जितने कि आज देने पड़ते हैं। राहुल गांधी ने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि कांग्रेस की सरकार में स्कूटी और बाइक 714 रुपए में टैंक फुल हो जाता था और मोदी सरकार में 1038 रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि जनता को 308 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। कार का टैंक 2856 रुपए में फुल हो जाता था जो कि मोदी सरकार में 4152 रुपए में फुल होता है, यानी कि जनता को 1296 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। किसानों का ट्रैक्टर कांग्रेस की सरकार में 2749 रुपए में फुल हो जाता था तो मोदी सरकार में 1814 रुपए ज़्यादा देकर 4563 रुपए में फुल होता है। रोजमर्रा के सामानों की ढुलाई करने वाला ट्रक का टैंक पहले 11456 रुपए में फुल होता था और अब 7558 रुपए अधिक देकर 19014 रुपए में फुल होता है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कांग्रेस की सरकार में कच्चा तेल 108.05 डॉलर प्रति बैरल होता था जो कि आज के वक्त में 99.42 डॉलर प्रति बैरल है, फिर भी मोदी सरकार आम जनता की जेब से ज़्यादा रुपए ले रही है। बता दें कि केंद्र की सत्ता में कांग्रेस को हटाकर बीजेपी ने महंगाई को कम करने के वादे पर ही आई थी, परंतु मोदी सरकार में महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई है और सत्ताधारी नेता अब इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के चलते कई महीनों तक पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सीएनजी किसी के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई, परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो पिछले 14 दिनों में 8.14 रुपए दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू गैस के सिलेंडर 50 रुपए तो कॉमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। दवाओं के दाम में भी बढ़ोतरी होने से मरीजों और तीमारदारों पर आसमान टूट पड़ा है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, परंतु सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जब विपक्ष में होती थी तो कांग्रेस की सरकार में दाम बढ़ने पर सड़कों पर खूब प्रदर्शन करती थी और अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।